ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन की क्या खासियत है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। भारतीय खानपान में अजवाइन का प्रयोग सदियों से होता आया है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचन को दुरुस्त रखती है, यह कफ पेट यादि को साफ रखती है, छाती के दर्द को कम करता है, कृमि रोग में फायदेमंद होती है, साथ ही हिचकी, जी मिचलाना, टकार, बदहजमी, मूत्र का रुकना, पथरी आदि बीमारी में भी लाभप्रद होता है। अजवाइन का पौधा आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, दक्षिण प्रदेश और पंजाब में अधिकता से पैदा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। अजवाइन के जो पौधे होते हैं वो 2-3 फुट ऊंचे और जो पत्ते होते हैं वो छोटे आकार के कुछ कटीले होते हैं। डालियों पर सफेद फूल के गुच्छे हैं, वो फूल के रूप में लगते हैं जो पक कर एवं सूख जाने पर अजवाइन के दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दाने ही हमारे घरों में मसाले के रूप में और औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। अजवाइन का जो रंग होता है वो भूरा काला मिला हुआ होता है। इसका स्वाद जो होता है वो तेज और चरचरा होता है। अजवाइन एक प्रकार का बीज है जो अजमोद के समान होता है। इसका जो स्वभाव है वो गर्म और खुश्क प्रवृत्ति की होती है। अजवाइन की रासायनिक संरचना में आर्द्रता जो है, जो नमी है, वो 7.4%, कार्बोहाइड्रेट 24.6% और वसा 21.8%, प्रोटीन 17.1% और खनिज 7.9%, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, पोटेशियम, सोडियम, रिबोफ्लेविन, थायमिन, निकोटीन, निकोटिनिक एसिड अल्प मात्रा में होता है। आंशिक रूप से आयोडीन, शर्करा, सेपोनिन, टैनिन, कैरोटीन और सिर तेल 14.8% होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अजवाइन के क्या क्या फायदे हैं। सर्वप्रथम, अगर आपके पेट में कीड़ा हो गया है तो यह बहुत फायदेमंद है। अजवाइन के लगभग आधा ग्राम चूर्ण में इसी के बराबर मात्रा में काला नमक मिलाकर सोते समय गर्म पानी में डालकर बच्चे को पिला दीजिए। इससे बच्चे के पेट में जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। फिर अगर आपको गठिया है तो ये गठिए में भी फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में यह बहुत फायदेमंद होता है। जोड़ के दर्द में पीड़ित स्थानों पर अजवाइन के तेल की मालिश करने से आपको राहत मिलेगी। गठिया के रोगों को अजवाइन का चूर्ण की पोटली बनाकर सेकने से रोगी को दर्द में आराम पहुंचता है। फिर मिट्टी या कोयला खाने की अगर आदत है आपको, मतलब बच्चे को, तो 1 चम्मच अजवाइन का चूर्ण रात में सोते समय नियमित रूप से 3 हफ्ते तक खिलाएं। इससे बच्चों की मिट्टी खाने की आदत जो है वो छूट जाएगी। अगर आपके पेट में दर्द है तो पेट दर्द होने पर 1 ग्राम काला नमक और 2 ग्राम अजवाइन गर्म पानी के तेल के साथ सेवन करने से फायदा होता है। फिर स्त्री रोगों में फायदेमंद है। प्रसूता, जो स्त्री बच्चे को जन्म दे चुकी हो तो प्रसूता को 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 3 बार खिलाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है। साथ ही साथ भूख लगती है और शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है तथा मासिक धर्म की अनेक परेशानियां इससे दूर होती है। फिर अगर आपको खांसी है तो 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह चबाकर गर्म पानी का सेवन करने से आपको लाभ होगा। अजवाइन के रस में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर सेवन करें और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। इससे आपकी खांसी जो है बंद हो जाएगी। फिर बच्चा अगर बिस्तर में पेशाब करता है तो सोने से पूर्व 1 ग्राम अजवाइन का चूर्ण कुछ दिनों तक नियमित रूप से खिलाइए। आपका जो बच्चा है बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देगा। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से बहुमूत्र रोग ठीक हो जाता है। फिर मुहासे, 2 चम्मच अजवाइन को 4 चम्मच दही में पीसकर रात में सोते समय पूरे चेहरे पर मलकर लगाइए और सुबह गर्म पानी से साफ कर लें। फिर अगर आपको दांत दर्द है
तो दांत पर अजवाइन का तेल लगाइए। एक घंटे बाद गर्म पानी में एक एक चम्मच पीसी अजवाइन और नमक मिलाकर कुल्ला करने से लाभ मिलता है। फिर 11 नंबर का मैं आपको फायदा बताता हूँ, वो है अपच। अगर भोजन के बाद नियमित रूप से एक चम्मच सिकी हुई सेंधा नमक लगी अजवाइन चबाएंगे तो आपकी जो अपच की समस्या है दूर हो जाएगी। अगर आपके सर में जूं है तो एक चम्मच फिटकरी और 2 चम्मच अजवाइन को पीसकर 1 कप छाछ में मिलाकर बालों की जड़ों में सोते समय लगाएं और सुबह धो लीजिए। इससे सिर में होने वाले जूं मरकर बाहर निकल जाती है। फिर अगर आप बांझपन के शिकार हैं तो मासिक धर्म के 8वें दिन से नित अजवाइन और मिश्री 25-25 ग्राम की मात्रा में लेकर 125 ग्राम पानी में रात्रि के समय एक मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए तथा प्रातः काल के समय ठंडाई की भांति घूंट पीसकर सेवन करें। भोजन में मूंग की दाल और रोटी बिना नमक की लें। इस प्रयोग से गर्भधारण होगा। फिर अगर बहुत मच्छर है आपके घर में तो अजवाइन पीसकर बराबर मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर उसके गत्ते के टुकड़ों को भिगोकर कमरे में चारों कोनों पर लटका देने से मच्छर कमरे से भाग जाते हैं। यह बहुत बड़ा पाचक चूर्ण है। अजवाइन और अरहर को बराबर मात्रा में लेकर हींग और सेंधा नमक मिलाकर स्वादानुसार मिलाकर अच्छी तरह से पीसकर सुरक्षित रख लीजिए। भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच गर्म पानी से लीजिए। फिर अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो अजवाइन के पत्तों को पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। फिर कान का दर्द, 10 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर तिल के तेल में पकाकर सहने योग्य गर्म तेल को 2-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिट जाता है। फिर अगर आपको सर्दी जुकाम है तो पुदीने का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, देसी कपूर 10 ग्राम, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी प्रकार से डांट लगाकर धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर में तीनों चीजें गल जाएंगी। इसके 3-4 बूंद रुमाल में डालकर सूंघने से या 8-10 बूंद गर्म पानी में डालकर भाप लेने से तुरंत लाभ होता है। फिर अगर आपको बवासीर है अर्श वाला तो अजवाइन, देसी अजवाइन लीजिएगा। अजवाइन जंगली और अजवाइन खुरासनी को बराबर मात्रा में लेकर महीन पीस लें, मतलब देसी अजवाइन, जंगली अजवाइन और खुरासानी अजवाइन। पीसने के बाद मक्खन में मिलाकर मस्सों पर लगाइए। इसके लगाने से कुछ ही दिनों में आपके जो मस्से हैं वो सूख जाएंगे। फिर अगर आपके गुर्दे का दर्द है तो 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से गुर्दे के दर्द में लाभ मिलता है। फिर अगर आपको पित्ती उछलता है, जो शरीर पर चकते चकते के निशान हो जाते हैं, तो उसमें 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी प्रकार कूटकर 5-6 ग्राम की गोली बना लें। एक एक गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेने से 1 सप्ताह में ही तमाम शरीर पर फैली हुई पित्ती आपकी दूर हो जाएगी। तो ये थे अजवाइन के फायदे। अभी अजवाइन के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। किसी भी चीज की अति जो ज्यादा होता है वो हमेशा नुकसान करता है, तो अजवाइन के लिए भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी जो मैं आपको बताता हूं। अजवाइन जो है वो पित्त प्रकृति वालों में सिर दर्द पैदा करती है और दूध कम करती है। अजवाइन ताजी ही लेनी चाहिए क्योंकि पुरानी हो जाने पर इसका तैलीय अंश नष्ट हो जाता है और ये फायदेमंद नहीं रह जाता है। काढ़े के स्थान पर रस का प्रयोग करना बेहतर है। अजवाइन के अधिक सेवन से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये थे इसमें सावधानियां। ये मैंने आपको अजवाइन के सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको किसी खास वीडियो की जरूरत है या किसी खास चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यथासंभव अगर वो मुझे मालूम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें और वीडियो के जरिए जो कुछ भी आपकी फरमाइश या जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए मैं देने की यथासंभव कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमसे जो आप तक यह ज्ञान पहुँचा है वो दूसरों तक भी पहुँचे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको बुरा भी लगा है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो भी आप कमेंट दीजिए।
ताकि हमें आगे की वीडियो में ये हमें सुधारने का मौका मिलेगा कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है। तो धन्यवाद।